नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आल मिश्र ज्ञान सागर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जहां तक देखा है उसका आगे आपके समक्ष वह जानकारी रखते हैं। तो अब आपको उस घर में जैसे ही जाएंगे या जिस घर में देवी देवता निकालना है वहां पे उस स्थान पे आपको बैठ जाना है। वहां पे आप सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है और जो काला मटका है वह काला मटका रख देना है किनारे में। उसके बाद में एक साफ जल, वह जल आपको 7 जगह से प्राप्त करना है, यानी कि तालाब से, नदी से, पोखर से, नल से, कुआं से। इस तरह से 7 जगह का वहाँ पे पानी होना चाहिए और 7 जगह का मिट्टी, जैसे कि तालाब के किनारे से मिट्टी, कुआं से मिट्टी, गली का मिट्टी यानी चौरास्ता का मिट्टी और त्रिगड्ढा का मिट्टी, इस तरह अलग अलग जगह से 7 होगा, जिसमें उसके घर का मिट्टी और दरवाजे की मिट्टी यह भी शामिल होगा। मैं बारी बारी से फिर बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। यह मिट्टी, उन मिट्टी को मिला करके आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक तैयार करके आपको उनको वहाँ रखना है। वो दीपक, उसको हल्का सा तेल लगा करके और उसमें आटा लगा दीजिए ताकि वो मिट्टी बिखरे नहीं। जैसे मिट्टी बना लिए उसके पीछे में आटा लगा देना है ताकि वो बिखरे, उसमें दीपक जाए। दीपक जो है वो चौमुखा रहेगा, चौमुखा दीपक। उसको जरा पहले चावल कर दीजिएगा, उसके ऊपर में दीपक, फिर आप अगरबत्ती या होम धूप में सराई धूप या फिर दशांग धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम धूप गणेश जी का सुमरन करें, उसके बाद गुरु का सुमरन करें, फिर माता सरस्वती, फिर रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इन सभी के नाम से पूजन करें और वहाँ पे पूजन कर लें। उसके बाद में उसमें 9 बंगला का पत्ता, सभी में लौंग इलायची, 2 इलायची, 3 लौंग, इस तरह से सभी में करना है। और 9 फूल, यदि 9 प्रकार का फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 प्रकार का फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है। नहीं मिले तो आपको कम से कम 3 प्रकार का फूल होना चाहिए और 9 जगह होना चाहिए। नहीं, जैसे 9 है, 3 है, तो 3 में आप लगातार 3 अलग अलग कलर का करेंगे, नहीं तो 9 में करेंगे। लाल मदार का फूल, एक कनेर का फूल पीला पीला होता है वो, और उसका सफ़ेद कुट कोई से भी, मोंगरा का फूल का छोड़ आप उसको, उस पर बाकी में लाल माता रानी में चढ़ता है वो लाल मदार रख दीजिएगा। 9 जगह रख दीजिएगा और सभी जगह में ये रख देना है। और उसके बाद में उस देवी देवता को प्रार्थना करना है और वहाँ पे आपको जो आगे मंत्र बताऊँगा उस मंत्र को पढ़ते हुए वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी को उठाना है। मिट्टी उठाने के बाद में उसको लाल कपड़ा में या फिर सफ़ेद कपड़ा में रखना है। रखने के बाद में दीपक के समक्ष रख देना है। उसके बाद में 21 नींबू को उसके नाम से काट करके वहाँ देना है और हर प्रत्येक नींबू में काटने समय में आपको थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना है। सिंदूर लगाने के बाद में उन देवी देवता प्रार्थना करने की, आप कृपया कर चलिए इन घर से, आप यहाँ से चले जाइए अपने गढ़ हिंगलाज में जाके, वहाँ पे शांत होइए। हे माता रानी, मैं आपकी स्थान है, वहाँ पे कोई देवी देवता का एक मंदिर या स्थान को चयन कर लीजिए कि इस जगह, उस जगह में यहाँ पे स्थान होगा, आप वहाँ पे जाइए, नहीं तो गढ़ हिंगलाज भेज दीजिए आप और शारदा माता रानी वहाँ भेज दे, जो शक्तिपीठ है वहाँ की देवी की चयन कीजिए कि हे माता रानी वहाँ पे आप जाइए। ठीक है, इसका आगे और बताऊँगा। वहाँ ऐसा करना है और वहाँ रखना है और सभी में हो सके तो यदि 9 है तो 9 दीपक जला लीजिएगा। साथ में आपको वहाँ पे 9 प्रकार का झंडा, 9 कलर का कपड़ा का झंडा बनाइए और सभी में एक एक नींबू रख दीजिएगा। सभी के ऊपर में नींबू रखना है सभी के नाम में और उन सभी सामग्री को आपको रखना है और जो दीपक है वो मटका है, मटका को रखिएगा। उसके बाद में सभी पत्ते को जो आपने 9 भोग दिए हैं उन सभी को उठा करके सजा के रखिएगा ऐसे गोल वो मटका में, और वहाँ मटका में, और उस मटका में ना आपको त्रिशूल बनाना है सिंदूर से या फिर बंधन से, बंधन यानी कि हनुमान जी को चलता है बंधन कलर का, वो त्रिशूल बनाना है चारों दिशा में, अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये लोटा है, यहाँ पे आप त्रिशूल लगा और यहाँ पे त्रिशूल लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, ठीक, ये चारों जगह में लग गया, ठीक, इन चारों जगह में। अब अंदर में जो है वो जो नहीं, जहाँ पे नहीं पड़ा है बीच में, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा बन गया, अब वहाँ पे पूरब और उत्तर दक्षिण के बीच में वहाँ पे त्रिशूल, वहाँ पे त्रिशूल, इस तरह से 8 प्रकार से त्रिशूल से बनेंगे और उसे बनेंगे, उसी में फिर पत्ता को रखना है और पत्ता को रख देना है और दीपक उठाना है, दीपक उसी के बीच में रखना है,
और चलिए मातरानी या देवी देवता आप चल के इसमें विराजमान होइए। ध्यान रखें इस समय इसको अकेले मत कीजिए, एक आध विशेष जानकार व्यक्ति हो तभी यह कार्य कीजिएगा, या विशेष आपको पद्धति पता हो तो ही कीजिएगा। जब तक आपको हनुमान जी और माता का सिद्धि प्राप्त न हो तो कृपया करके इस विधान को करने की कोशिश कदापि ना करें। योग्य गुरु से परामर्श ले लें, उसके सानिध्य में ही करें एक बार, तभी यह कार्य करें। नहीं तो किसी के घर के देवी निकालना कोई आसान या सरल भाषा नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करके देख लें या ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जो योग्य है वही उसको कर सकते हैं, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब उनको रखना है और उसके सभी सामग्री को उसके ऊपर रख देना है। कपड़ा है वो कपड़ा को मोड़ करके फिर उसमें पकड़ना है कपड़ा में ऐसे, ठीक है। और सभी सामग्री को इसको दो तीन व्यक्ति मिल करके ही करेंगे। अब उनको आपको लेके चलना है, तो लेके जाने समय में आपको पीछे ही ऐसे आना है, ऐसे पलट करके नहीं जाना है, ऐसे पीछे घुसते घुसते आना है चौखट तक। चौखट में आने के बाद में फिर आप दाहिने तरफ से मुड़ेंगे, मुड़ करके आपको उसको एक गांव से बाहर शिवाना में वहां जाना है, जहां भी या फिर तीन रास्ता हो या फिर चार रास्ता हो वहां पे उनको रखना है। रखने के बाद वहां भी पूजा करना है। दो नारियल और दो नींबू, पांच प्रकार की मिठाई या सात प्रकार की मिठाई, और वहां भी फूल पत्ती बंगला पत्ता लौंग इलायची वहां रखना है, और सात जो झंडा बनाए हैं सात कपड़ा का उनको भी आपको बारी बारी से रखना है और वहां पर रख देना है। यहां पे यदि देवी के चलानी है तो आपको माता का सोलह श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल यह होना अनिवार्य है, और एक चुनरी यह आपको लेना है, और हनुमान जी, भैरव जी इन सभी का पूजन करना है। आप आने वाले स्थान पे आप चले जाइए, कृपया कर इस घर मत रहिए, ऐसा मुझे आपसे प्रार्थना है, आप कृपया चले जाइए, ऐसा आपको वहाँ बोलना है, और सभी सामग्री को वहाँ पर छोड़ देना। यह प्रक्रिया छोड़ने की प्रक्रिया है, इसको रात्रि के 9 बजे से 12 बजे के मध्य में किया जा सकता है, रात में ही करना उचित है, 9 से 12 बजे के मध्य में, ठीक 12 बजे हो सके ना अच्छी बात है, रात में अब करना है। और वहां से एक बार पलटने के बाद फिर आपको दोबारा पलट के नहीं देखना है, अच्छा आपको चले आना है। इस तरह से इसके विधान करते हैं। अब मैं बताते हूँ मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हनुमंते मारी ले, मुट्ठी से मुट्ठी पड़ी ले, वज्र फाटी देवता पलाई ले, घर द्वार छाड़ी देवी पलाई ले, भूमि छाड़ी पला पला, बोली कहार आज्ञा, श्री राम ठाकुर निरंजन, गुरु कर कोटि कोटि आज्ञा। इस तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है इस विधान में। दोस्तों एक विशेष बात, जब भी आप प्रयोग कर रहे हो तो सात्विक ही करें, कई जगह तामसिक भी करते हैं, तामसिक ना करें। वहाँ पे नींबू या आपको साथ 21-21 लगता है तो और ज़्यादा चढ़ा दीजिएगा, नींबू सिंदूर लगा करके और दे दीजिएगा। और इस विधान को बिना योग्य गुरु के सानिध्य में कम से कम फर्स्ट बार जब करें तो उनसे पूछ लें, उनसे परामर्श कर लें, कम से कम कॉल में या फिर वीडियो कॉल में उसके सपोर्ट में रहें, तभी यह प्रक्रिया को करें। किसी के शरीर में है तो वो तो शरीर में है तो आप सरलता से उसके शरीर से उतारा करके यह प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन घर से निकालना तो उसमें योग्य गुरु होना आवश्यक है। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल आइकन को प्रेस करके आ सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। हाँ, इस वीडियो में आपको कोई भी प्रकार से जानकारी बताने में त्रुटि हो गया होगा तो आप कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा और तो मैं बता सकूँ। इसमें जो 7 तरह का मिट्टी है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है 7 तरह का मिट्टी है, उन सभी जिस मिट्टी हैं उनको आपको रखना है, जिसमें उसके घर का देवता है वहाँ का मिट्टी और आंगन की मिट्टी और द्वार का मिट्टी, ये तीनों भी मिलाना है। उसके बाद में तालाब का, नदी का, चौरास्ता का, इस तरह से मिट्टी मिला करके दीपक बनाया जाता है वहाँ पे। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।